कोरोना की दूसरी लहर में कर्जदारों के लिए किश्तें चुकाना भारी मुसीबत साबित हो रहा है। कोरोना काल में लोन लेने वाले ब्याज माफी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिया है कि सरकार और आरबीआई को ही इस पर फैसला करना होगा और कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। लोन मोरिटोरियम यानी ब्याज माफी की योजना की कोरोना की दूसरी लहर में एक बार फिर से मांग उठने लगी है। पिछली बार कोरोना की पहली लहर में आरबीआई ने कर्जदारों को 6 महीने का लोन मोरिटोरियम दिया था। इसमें 6 महीने तक का ब्याज माफ कर दिया गया था। इसका फायदा कारोबारियों के साथ ही आम लोगों को भी मिला था। आरबीआई ने इस बार फिर से ब्याज पर राहत देने का ऐलान तो किया है, लेकिन ये केवल उनको मिलेगा जिन्होंने पिछली बार या तो लोन मोरिटोरियम नहीं लिया या जिन्होंने लोन रिस्ट्रक्चरिंग को पूरे 2 साल के लिए नहीं लिया है। ऐसे में इस बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई तो याचिका दायर करने वाले वकील की आवाज साफ न होने से 11 जून तक टाल दी गई, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ने इस मामले में कोर्ट का रुख साफ कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक नीतिगत मसला है और कोर्ट पहले ही इसमें दखल न देने की बात कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों से कहा है कि वो इस मांग के लिए सरकार और आरबीआई के पास जाएं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से सबसे ज्यादा झटका रियल एस्टेट सेक्टर को लगा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की टॉप संस्था क्रेडाई का कहना है कि घरों की बिक्री में 2020 के बाद 2021 में सबसे ज्यादा गिरावट आ सकती है। ऐसे में होम लोन के ग्राहकों को मॉरेटोरियम की सख्त जरूरत है। इस सेक्टर के लिए एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज तैयार किया जाए जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लोन मॉरेटोरियम और एसएमए रिपोर्टिंग को डिफर किया जाए और एक प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान दिया जाए जिससे डेवलपर के पास कैश फ्लो और फंड्स की प्रॉब्लम नहीं रहे, जिससे प्रोजेक्ट में डिले नहीं हो। इस कोविड सेकेंड वेव में सेल्स और कलेक्शन दोनों में रुकावट आया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है और काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च हो रहा है। इसकी वजह से तमाम कर्जदार लोन मोरिटोरियम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। टैक्स सॉफ्ट चाहिए जो कस्टमर को फ्लैट खरीदने में मोटिवेट करे और कॉस्ट को कम करने के लिए, इनपुट प्राइस के कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है और GST इनपुट हमें अवेलेबल मिलना चाहिए। ये चीज अगर रहेगा तो गवर्नमेंट को हम अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत अच्छे से क्रिएट करके पूरे पब्लिक को दे सकते हैं और अर्बन शॉर्टेज को हम कम कर सकते हैं। पिछले साल आरबीआई के लोन मोरिटोरियम में ब्याज माफ किया गया था और उसे केवल 6 महीने के लिए टाला गया था। बाद में कर्जदारों ने ब्याज माफी को लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहां पर कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार ब्याज माफी को राजी हुई थी। ऐसे में इस बार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल ना देने की बात कही है, उससे कर्जदारों को किसी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी कोरोना के सताए लोगों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उससे उभरने के लिए उन्हें खुद ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।